गुड मॉर्निंग प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 नवंबर, तो हम इस वीडियो में 22 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और आपको कैसा लगे वो अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दिया करो, कमेंट भी किया करो और थोड़ा अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया करो। अगर कोई कमी लगे तो ज़रूर बताया करो, आप बताओगे तो उसमें कुछ सुधार होगा। और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ, उसका भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करो। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रोज़ाना की तरह क्विक विजन देख लेते हैं। तो किस राज्य के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, तो मैंने पूछा भी था आपसे, तो आपने कमेंट में जवाब भी दिया। सही जवाब है, एक तो डोटासरा जी शिक्षा मंत्री जी और रघु शर्मा जी, और तीसरा था हरीश चौधरी जी है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएफ इंडेक्स 2021 में कौन सा पुलिस स्टेशन है वो पहले स्थान पर रहा है, तो आंध्र प्रदेश राज्य का रहा है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भागीदारी किस राज्य ने की है, तो मेघालय ने। और इंडिया क्वालिफाई क्वीन कौन बनी है, तो पूजा बदलानी बनी है। और भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा कहाँ, तो चेन्नई में। बाल दिवस कब मनाया गया, 20 नवंबर को। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो नोएडा में किया गया, आप सबको पता है। और हाल ही में जारी धूम्रपान इंडेक्स में दूसरे स्थान पर अपना भारत और पहले स्थान पर चाइना रहा है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी परिष्कृत MRI सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई, मान्यसार हरियाणा में की गई है। किस राज्य का डांग जिला 100% जैविक खेती के लिए चुना गया है, यह जैविक खेती वहाँ पर होती है, तो गुजरात का होता है। सूर्य से भी अधिक गर्मी एक दुर्लभ गर्म दुर्लभ वर्ग में से संबंधित 8 सितारे की खोज किसने की है, तो NORA ने की है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑन अभियान का कौन सा चरण हुआ है, तो दूसरा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के किस बल्लेबाज ने संन्यास ले लिया, तो ABD Villiers ने। 3 विवादित कानूनों को कब निरस्त कर दिया गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 19 नवंबर को। ICC Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पुरुष का होने वाला है उनकी मेजबानी वेस्ट इंडीज़ करेगा, ये 14 संस्करण होगा। और ये लास्ट ट्वेल्थ का क्वेश्चन है ही। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाल दिवस पर बाल नीति 2021 जारी की है, तो बाल दिवस पर बाल नीति 2021 है वो किस राज्य ने जारी की है, तो इसका सही आंसर है वो तमिलनाडु ने। किसने जारी की है, तमिलनाडु ने जारी की है। अब तमिलनाडु ने जारी की है, तो बाल दिवस कब मनाया गया था, तो बाल दिवस मनाया गया था वो 20 नवंबर को मनाया गया था, और उसी दिन है वो बाल नीति है जारी की गई तमिलनाडु के द्वारा। उनके CM है MK Stalin इनके द्वारा। कैपिटल चेन्नई है। गवर्नर RN Ravi है। और अंगदान में ये पहले स्थान पर है और मछली उत्पादन में भी ये पहले स्थान पर है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी WAF ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है, तो प्रकाश पादुकोण को दिया है। किसे दिया है, प्रकाश पादुकोण को दिया है। इन्हें 2018 में BAI मतलब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी 2018 में है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है BAI के द्वारा, और अब BAF ने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल सलाम उपन्यास के लेखक कौन है, तो लाल सलाम उपन्यास के लेखक वो स्मृति ईरानी बनी है। स्मृति जुबिन ईरानी नाम है इनका टोटल, याद रखना। ये जो 2010 में दंते वाडर छिंतर CRPF जो नौजवान थे वो उन पर लिखी गई है, और इसके मेन कहानी किस पे है, तो विक्रम प्रताप सिंह पर है। किस पर है, विक्रम प्रताप सिंह पर है। देखते हैं, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं, तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियन में भारत है वो 7 पदक अपने नाम किए हैं। ये टोटल एक हफ्ते तक लगभग चला है, और 7 पदक नाम किया, जिनमें एक तो गोल्ड है और 4 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। याद रखना, 1 गोल्ड 4 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज है, ये एक सप्ताह तक चला, टोटल 7 पदक है वो इंडिया के नाम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस शहर ने लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहरों की लिस्ट में टॉप पर रहा है? तो कौन सा शहर रहा है? तो वो रहा है इंदौर शहर। इंदौर शहर है वो लगातार 5वीं बार टॉप पर रहा है। इससे लगभग प्रतिदिन 1200 टन वो कचरा है वो निकलता है, लेकिन उसमें से आधा टन है वो इंदौर की नगर निगम है वो उसका सदुपयोग कर लेती है, लेकिन अपने यहाँ राजस्थान में नहीं होता। आज के अखबार में आप देख ही सकते हो, पूरी डिटेल आई हुई है। और इंदौर ये लगातार 5वीं बार रहा है, तो इंदौर के बाद भी और कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें स्थान मिला है उनके बारे में भी देखते हैं। तो उनमें कौन सा है? तो एक तो आंध्र प्रदेश का है और एक गुजरात का है। तो वो कौन कौन से हैं? तो सेकंड तो है सूरत गुजरात का, और थर्ड है विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का है, याद रखना आप। दूसरे नंबर पर सूरत है और तीसरे नंबर पर है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन है वो गोवा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है, और ये 52वां संस्करण है, आप याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 से ये स्टार्ट हुआ था, और इसमें टोटल 73 देश और 150 फिल्में हैं वो शामिल होगी। कितनी? टोटल देश 73 देश, 73 तो देश इसमें शामिल होंगे और 150 है वो फिल्में इसमें होगी। और ये फिल्म महोत्सव समाप्त कब होगा? तो ये 28 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। कब हो जाएगा? 28 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह है वो कब मनाया गया? तो ये 15 से 21 तक मनाया गया। कब मनाया गया? 15 से 21 तक है राष्ट्रीय नवजात सप्ताह है वो मनाया गया था, आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, 15 से 21 तक। और जितने भी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए हैं उनको भी आप याद रखना सीक्वेंस में। तो और ये मनाया क्यों जाता है? जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें जीने का अधिकार है, उन्हें जन्म देने का अधिकार है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में वायुसेना को कौन सा लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपा है? तो कौन सा लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपा है? तो मेक इन इंडिया है वो लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपा है, ये इंडिया द्वारा निर्मित है, 19 नवंबर को सौंपा है और झांसी के वायुसेना को सौंपा है। तो आप याद रखना हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो कॉम्बेट हेलीकॉप्टर। क्या नाम है? कॉम्बेट हेलीकॉप्टर इसका नाम है। ये नाम अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार कब दिए? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है वो कब दिए गए? तो इनके द्वारा है वो 20 नवंबर को दिए गए। कब दिए गए? 20 नवंबर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिए गए। ये छठा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था। और पहले स्थान पर कौन रहा है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है वो सबसे स्वच्छ राज्य रहा है। कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य। 56वें DGP सम्मेलन जिसमें नरेंद्र मोदी अमित शाह अजीत डोभाल भाग लेने कहाँ आयोजित होगा? ये वे भाग लेंगे तो ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये लखनऊ में आयोजित होगा। 56वें DGP सम्मेलन है वो होगा और ये 20 और 21 दो दिन चलेगा। इसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जो गृह मंत्री है, और अजीत डोभाल जी ये इसमें शामिल हो गए। और इन पर चर्चा किस पर होगी? तो एक तो साइबर क्राइम पर, और एक डेटा गवर्नेंस, और एक आतंकवाद पर है। इन तीन पर है वो चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की 103वीं जयंती कब मनाएगी? तो इनकी 103वीं जयंती है वो कब मनाएगी रानी लक्ष्मीबाई की? तो रानी लक्ष्मीबाई की 103वीं जयंती 19 नवंबर को मनाएगी। कब मनाएगी? 19 नवंबर को मनाएगी। मणिकर्णिका इनका पूरा नाम है, आप सबको पता ही होगा। और ये जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो इनका जन्म हुआ था वो 19 नवंबर 1828 में काशी में हुआ था। 19 नवंबर 1828 काशी में हुआ था। ये ब्राह्मण के घर में पैदा हुई थी और रानी बन गई। आप सबको पता है कितनी बहादुर थी जानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आपका टीवी सीरियल आता था वो देखा ही होगा। और 17 जून 1858 को इनको शहादत मिल गई। ये 1857 की क्रांति में भी काफ़ी अच्छा रोल निभाया। इनमें इनका ये
17 जून 1828 को शहादत मिल गई थी। आप याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला है वो कहाँ पर रखी गई है? तो ये झांसी में रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? झांसी में रखी गई है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जिसकी लागत है 3013 करोड़ रुपए की लागत है, जिसमें 600 मेगावाट तो ललितपुर में और 800 मेगावाट है वो चित्रकूट में रखी गई है। 800 मेगावाट की चित्रकूट में आधारशिला रखी गई और 600 मेगावाट की ललितपुर में रखी गई है। तो ये झांसी ये सब यूपी में आते हैं और यूपी में आप सबको पता है इलेक्शन होने वाला है। 19 नवंबर को कहाँ पर इंदिरा मैराथन का आयोजन हुआ है? तो इंदिरा मैराथन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये प्रयागराज में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? प्रयागराज में इंदिरा मैराथन का आयोजन हुआ है। कब हुआ है? 19 नवंबर को हुआ है। ये स्टार्ट कब से है? तो 1985 से ये स्टार्ट है। और लगभग इसमें जो विजेता होते हैं उनको कितने रुपए मिलते हैं? तो 50,000 रुपये है वो विजेताओं को मिलते हैं। और कितने किलोमीटर या कितनी लंबी मैराथन की दौड़ होती है ये? तो लगभग 42 किलोमीटर की दौड़े होती है। कितनी? 42 किलोमीटर की दौड़े होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन ने 19,024 फीट की ऊंचाई पर कहाँ पर सड़क का निर्माण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो सीमा सड़क संगठन ने 19,024 फीट ऊंची जो सड़क बनाई है वो कहाँ बनाई है? तो आप आइडिया लगा सकते हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही बन सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है वो है लद्दाख है, लद्दाख में बनाई है। और लद्दाख में आप सबको पता है अभी हमारे राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं सॉरी रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा भी एक जो स्मारक है उसका पुनर्निर्माण किया गया, तो उसका उद्घाटन किया गया, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। और सीमा सड़क संगठन तो इसके बारे में जानते हैं, तो इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो राजीव चौधरी है। कौन है? राजीव चौधरी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कब की थी? तो 9 मई 1960 को की थी। 9 मई 1960 को की थी। आप ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू ने किया? जो संविधान संस्कृति और राष्ट्र की जो पुस्तक है इसका विमोचन वेंकैया नायडू जी ने किया, जो किसकी पुस्तक है? तो वो किसकी पुस्तक है? वो अपने राजस्थान राज्य के गवर्नर कलराज मिश्र, अपने राज्यपाल है कलराज मिश्र, इनकी पुस्तक है। इनका विमोचन राष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया। तो ये आज का टोटल 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छा लगे हो, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों का शेयर करना, और नहीं भी लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, सही आंसर इसका मुंबई है, और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।